हमने जो कचरिया का आपको पौधा दिखाया था, कचरिया बेल पे कैसे आती है वो भी दिखाया था, और यहाँ देखो ये कचरिया पुरानी बहू कचरिया खाती हुई, नई बहू कचरिया खाती हुई, बच्चे कचरिया खाते हुए, और हमारा अंशु भी कचरिया खाते हुए। और ये देखो कि इनको कचरिया खाने में कितना स्वाद लग रहा है। लगता है कि शायद शहरों की कचरिया तो ये ऐसे लगती है कि पता नहीं कितने दिन पुरानी होगी। आपको ये कचरिया खाने में कैसा लग रहा है? अच्छी है, एकदम फ्रेश है, अभी खेत से तोड़ के लाया, अभी खा रहे हैं। ऐसी कहाँ मिलेगी दिल्ली में, तो बिल्कुल नहीं। और इसमें कोई बैक्टीरिया भी नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। और हमारे जमींदार साहब ने ये भी बताया कि हमने इसमें कोई ऐसे छिड़काव नहीं किया है जिससे कि कचरिया के अंदर कोई ऐसा प्रदूषण घुस जाए। हम लोगों ने इसको तोड़ा है खेत से और ऐसे खाने लगे। हाँ, तो वाकई ये कचरिया इतनी खाने में नेचुरल है, एकदम नेचुरल है। ये दिखा देता हूँ कि कचरिया का जो पेड़ थे वो इसी खेत के अंदर थे। बड़ी जल्दी फेंक भी दी वो कचरिया। अच्छा, अब अंशु और ये दोनों बच्चे खा रहे हैं उस कचरिया को। मैं नहीं खा रही। आपने ये रमास की फलियां हाथ में ले रखी हैं, बट इसको नहीं खाते कच्ची कच्ची? तो ये एक्चुअली रमास की फली जो है वो किट्टू का भोजन है। किट्टू के लिए जा रहे हैं। आपको मैंने अंशु कैसा लगा ये कचरिया खाने में? आप तो हमेशा खाते रहते हो, पर ये चाची जो आज आई हैं तो इनके साथ तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा तो ठीक है, पर चाची ये तुम्हारे आदत इनकी कैसी लगती है? अच्छी। हाँ, वहाँ जाके इनके गले में मिल जाए जाके। हाँ, गले गले मिलो वहाँ से, देखो उधर साथ में। ये हमारी नई बहू बच्चों के प्रति कितनी फ्रेंडली, इससे आपको लगता है कि आदत जो है नेचुरल आदत, नेचुरल बिहेवियर। अभी तक लोगों ने कहीं नई बहू का डांस देखा था, नई बहू कचरिया खाते हुए पहली बार देखेंगे, शायद आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा। मैं ऐसा सीन जो हमेशा एक याद बन जाता है, जो हमारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता। कभी यहाँ के वीडियो कुछ 9 साल पुराने हैं, कुछ 10 साल पुराने हैं, ये भी धीरे धीरे आज नया है नई बहू के साथ, हो सकता है कि और पुरानी बहू के साथ है। ये एक जोड़ी ऐसे हमारी यादगार बनेगी जिसको हमेशा हम याद रखेंगे। यहाँ ये एक आम का पेड़ है, पके हुए आम तो हम शहरों में बहुत देखते हैं, बट कच्चा आम जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखो कच्चा आम। अभी इन्होंने कच्चे आम को तोड़ा है और ये सब लोग कच्चे आम को खा रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक, और अब हम कचरिया के खाने के बाद आम को हमने दिखाया। अच्छा, नहीं तो वो आम किस वैरायटी का है? यहाँ पर यूं तो बहु अलग, और ये शहर से आए हुए कुछ आगंतुक यहाँ देखो एंजॉय कर रहे हैं, और ये देखो किस तरीके से बैठे हुए हैं, जैसे वाकई बहुत दिनों के बाद इनको ऐसे खेत और क्लाइमेट मिला है। पकी हुई, पकी है ही नहीं ये, पक जाएगी ना, घर जाएगी ना, ये पता ना।
इस फसल का क्या नाम होता है भैया? उड़द है, उड़द की दाल। तो यहाँ पर ये उड़द का पेड़ है। अच्छा, काले हैं। तो ये उड़द काले हैं, जिसके पत्ते कुछ काले से हैं। अच्छा, वो ग्रीन दाल होती है, ग्रीन। तो ये मैंने होता है, इनका छिलका ब्लैक होता है। अच्छा, ये ब्लैक होता है, इसका छिलका ब्लैक। बट कुछ भी कहो, उड़द की दाल तो वाकई रखाबली में जब भी आते हैं, उड़द की दाल खाते हैं, तो उसका टेस्ट ही कुछ और है। बट मैं आगे दिखाता हूँ कि हमने ब्लैक उड़द तो देखा सुना था, दाल भी खाई थी, पर ये ग्रीन कलर का उड़द, ये तो शायद हम जैसे वो कौन सी होती थी ग्रीन कलर का जो होती है ना, उसकी टेस्टी बनती है दाल। मूंग नहीं, नहीं पहले ग्रीन कलर की मूंग होती थी, ये उड़द है। आजकल ग्रीन कलर का ये उड़द के पेड़ हैं। इसकी पैदावार कम है, इसलिए लोग कम करते हैं, पर इसकी दाल इस ब्लैक वाले से इसकी टेस्टी ज्यादा होती है। ये देखो, ये ग्रीन कलर का उड़द है और छोटे छोटे बीज इस पे अभी फूल आ रहे हैं, और फूल आते आते फिर ये फली आ जाती है। इस पे कैसे आते हैं? अच्छा, फली आती है। देखो ये दिखाऊंगा, अभी हम आपको नजदीक से फली दिखाते हैं। अच्छा, ये फली, ये फलियां हैं। इस तरीके से ये फली आ जाती है, और ये जब पक जाती है तो ये फली फली तोड़ लेते हैं। नहीं, पूरा कटेगा। अच्छा, पूरा पौधा ही कट जाता है। हाँ, फिर मशीन से निकाला जाएगा। अच्छा, मशीन से निकालते हैं। क्यों भैया, आप भी इनको देखते हो? यानी ये बताओ, सच बताना कि तुम काली दाल खाते हो उड़द की, या हरी वाली खाते हो? हेलो, आपको दोनों में से कौन सी दाल अच्छी लगती है? अच्छा, अब नहीं, पर दोनों में देखा जाए तो कौन सी अच्छी लगती है? हैं? और ये हमारे काश्तकार जी है, ये बताएंगे कि बाकी कौन सी अच्छी लगती है। ये इसकी दाल भी टेस्टी होती है, और मार्केट में महंगा भी बिकता है। अच्छा, हरे वाला। अच्छा, हाँ। तो ये आपने कितना बीघा किया है? ये 3 बीघा तो हरे वाला है, 3 बीघा है काले वाला। अच्छा, टोटल 6 बीघा है। तो इन्होंने ये उड़द की दाल भी यहाँ पर फसल की हुई है, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हमने आज पहली बार, और आने वाले 2 महीने बाद सावन में खाने को मिलेगी। अच्छा, वेरी गुड। चलो, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब इस उड़द का खेत और उड़द की दाल का टेस्ट, जो कि हमारे मुंह में अभी लगता है कि कैसे लगेगी, जब फसल आने के बाद इसको टेस्ट करके देखेंगे, तो अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।